आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सभी राज्यों में आज अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी राज्यों में निकाली जाएगी। पूरे देश में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा। वहीं दिल्ली में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां पीएम मोदी ने प्रदेश अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपा है। पीएम मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को कलश सौंपा है। पूरे देश में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपे हैं। देश के सभी राज्यों में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा। आपको बता दें 163 नदियों में प्रवाहित की जाएगी अटल जी की अस्थियां। संवाददाता संजय वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, सभी राज्यों में निकाली जाएगी अस्थि कलश यात्रा, और पीएम मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपा है कलश। क्या है कार्यक्रम दिल्ली में, क्या कार्यक्रम है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्षों को सौंपी गई। अटल जी की जो अस्थियां है वो देश भर की 100 से ज्यादा पवित्र नदियों में विसर्जित की जाएगी। इससे पहले उनकी एक यात्रा निकाली जाएगी सभी जिलों में, सभी मुख्यालयों में, और उसके बाद उसको उनका विसर्जन जो सभी नदियों जो पवित्र नदियां हैं उसमें विसर्जन किया जाएगा। अस्थि सौंपे जा रहे कार्यक्रम में जो दिल्ली के मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये अस्थियां उनको सौंपी गई है, वहां अपने अपने सारे राज्यों के अंदर वो पहले यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा निकालने के बाद लोगों के दर्शन के लिए रखे वो लोगों को लिए वहां पर रखी जाएगी। उसके बाद वो जो भी अस्थियां हैं वो 100 से ज्यादा नदियों में, पवित्र नदियों में उनकी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। जी जी संजय, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपा है। सभी राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। देश के 163 नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अटल जी की अस्थियां।